हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज सरप्राइजेस में हम द हिंदू के 24 जून 2018 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेशल कोर्ट्स आर डेजिग्नेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरा स्टेटमेंट है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट एनफोर्सेस द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इन इंडिया। ऑप्शंस को देख लो और वीडियो को पॉज कर लो। इसका सही आंसर जो है वो है टू ओनली। ठीक है, ये टू ओनली क्यों है? देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि हाँ, ये बात सही है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग वो स्पेशल कोर्ट्स होती है। उन स्पेशल कोर्ट्स को क्या बोला जाता है? पीएमएल कोर्ट्स, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट्स। ठीक है, वो और ये भी सही है कि वो जो लोअर जुडिशरी के होते हैं, जैसे सेशंस कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो उसमें जो सेशंस कोर्ट होगा ना, उसको डेजिग्नेट किया जाता है। ठीक है, बट उसे स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है, याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी। ठीक है, और जो दूसरा है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये इसलिए सही है क्योंकि ये तो एनफोर्समेंट जो डायरेक्टोरेट है, इसका तो फंक्शन ही यही है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 में जो हम एक्ट है, इसकी एनफोर्समेंट इसीलिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को भी इसकी एनफोर्समेंट देखता है, और साथ ही साथ में जो फेमा एक्ट है। ठीक है, फेमा एक्ट की फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आप लिख ही देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो जो फेमा एक्ट है ना, उसकी भी जो है क्या कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ही देखता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस विल बी अपडेटेड इन असम ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शंस को देख लो, वीडियो को पॉज कर लो। इसका आंसर है ऑल। ऑल क्यों है? देखो, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 थी, ठीक है, ये आप लक्ष्मीकांत में सिटीजनशिप वाले चैप्टर में देख लेना, या फिर डीडी बसु में भी देख सकते हो अच्छी तरह से। ठीक है, वो और जो सिटीजनशिप रूल्स होते हैं, देखो एक्ट के साथ साथ ना कई बार रूल्स भी बना देते हैं बाद में जाके, कि उनको सप्लीमेंट करने के लिए, उस एक्ट के प्रोविजंस को सप्लीमेंट करने के लिए। तो सिटीजनशिप रूल्स 2003 में जो बनाए गए थे, ये दो तो स्टैट्यूट्स हैं एक टाइप के, मतलब लेजिस्लेशन हैं। ठीक है, जिनके बेसिस पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अपडेट होगा असम में। फिर आता है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स 1951, ये जो रजिस्टर था ये 1951 के सेंसस के बाद बनाया गया था, और ये कंटेन करता था कि उन सिटीजन्स के नेम्स जो इंडियन सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो इंडिया में हैं और इंडियन सिटीजन्स हैं, ताकि हमें पता लगे कि सिटीजन कौन कौन है। ठीक है, तो ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया गया था। और फिर क्या हुआ था कि 1971 में उन्होंने कहा कि जो लोग, जिनका नाम नहीं आ सका था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में, ठीक है, तो उसके बाद इलेक्टोरल रूल्स जो हुए थे, मतलब इलेक्शन जो हुए थे, तो इलेक्शन के टाइम क्या होता कि वोटर की लिस्ट होती है ना, जो वोटर्स की लिस्ट को इलेक्टोरल रूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो 1971 तक के जो थे, ठीक है, उन लोगों को वो जिन जिन के नाम उसमें थे, तो उनको भी सिटीजन माना गया था। ठीक है, तो ये चारों के जो बेस पे है ना अपडेशन होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्लास्टिक ग्लोमेरेट्स हैव बीन डिस्कवर्ड लिटर्ड अक्रॉस द बीच इन हवाई। दूसरी स्टेटमेंट, प्लास्टिक ग्लोमेरेट्स कैन एक्ट मार्कर्स ऑफ द एंथ्रोपोसीन एरा। ठीक है, तो इसका इसके ऑप्शंस देख लो। इसका सही आंसर है बोथ, दोनों के दोनों सही है। देखो, प्लास्टिक ग्लोमरेट्स क्या होता है? प्लास्टिक ग्लोमरेट्स पता क्या है कि आजकल प्लास्टिक पॉल्यूशन जैसे बहुत ज्यादा न्यूज में है ना, तो क्या होता है कि जब प्लास्टिक बहुत जगह पे पड़ा है, ठीक है, और वहां क्या होता है कि
वो गर्मी करके या कैंप फायर में, कैंप फायर में लोग प्लास्टिक की चीजें भी डाल देते हैं ना कैंपिंग के टाइम, जो बोन फायर होती है उसमें, या कैंप फायर में वैसे ही जो आसपास जहाँ सो रहे होते हैं उसके आसपास फायर जला के रखते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि उसकी गर्मी की वजह से ना जो प्लास्टिक फ्यूजेस विद रॉक्स या सैंड्स, ठीक है, तो वो एक नया टाइप का रॉक बन जाता है। और ये जो है ये वॉल्केनोज के आसपास भी फाउंड हो जाता है, ठीक है। और ये सी बेड्स में भी कुछ प्लास्टिक, सम प्लास्टिक फाइंड इट्स वे इनटू द सी बेड्स आल्सो। तो फिर जब वो वॉल्केनो के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, तो वो प्लास्टिक ग्लोमरेट्स बनने के उसके काफी हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रॉक होता है जिसमें मिट्टी और प्लास्टिक होते हैं, मिट्टी और प्लास्टिक का बना रॉक प्लास्टिक ग्लोमरेट हो गया, ठीक है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इट कैन एक्ट एज मार्कर ऑफ द एंथ्रोपोसिन एरा। एंथ्रोपोसिन एरा का ये कैसे मार्कर होगा? ये मार्कर ऐसे होगा, ये बोलते हैं कि एंथ्रोपोसिन एरा क्या होता है। एंथ्रोपोसिन एरा होता है कि व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड हैविली इंपैक्टिंग अर्थ, ठीक है, जब ह्यूमंस का इम्पैक्ट काफ़ी हैवी होने लग गया अर्थ पे, ठीक है। तो अब ये क्या है कि अब एक नए टाइप के रॉक्स बन रहे हैं जो अदरवाइज नेचुरली नहीं फाइंड होते, ठीक है, जैसे प्लास्टिक ग्लोमेट्स हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये ह्यूमन इम्पैक्ट दिखा रहा है, इनफैक्ट ये एडवर्स इम्पैक्ट है ह्यूमंस का नेचर पे, ठीक है। तो जब ये बहुत ज़्यादा होने लगे, तो जितना पुराना ये चीज़ होगी, ठीक है, इसको बाद में कार्बन डेटिंग से या किसी भी मेथड से अगर इसकी एज निकालेंगे तो पता लग जाएगा कि एंथ्रोपोसिन एरा कब से शुरू हुआ, यानी कि ह्यूमन जो थी ह्यूमन इंटरफेरेंस कब से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशेल्स। सेशेल्स इन द इंडियन ओशन, ठीक है, बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट? ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। इसका आंसर अफ्रीका। ये है इंडियन ओशन में, लेकिन ये है अफ्रीका में, ठीक है, ये अफ्रीका का कंट्री है, ठीक है। और ये मैडागास्कर के जस्ट ऊपर पाया जाता है। जो मैडागास्कर आप देखोगे ना, तो जस्ट ऊपर पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका में ये सेशेल्स है। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अजम्पशन आइलैंड, इसका एक आइलैंड है अजम्पशन आइलैंड, वहाँ इंडिया नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो पहले इन्होंने, सेशेल्स वालों ने हाँ भी कर दिया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने, अब मतलब अब ये लिंगर कर रहा है, ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं कि शायद ना हो, ठीक है। तो ये सेशेल्स इंपॉर्टेंट हो गया, और सेशेल्स को इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत हेल्प करी थी, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट्स में। और एक और बात है कि इंडिया यहाँ पे क्यों बनाना चाहता था अपना नेवल बेस? इंडिया नेवल बेस लिए बनाया था क्योंकि इंडियन शिप्स जो यहाँ से पास होते थे, तो उनको जो पायरेट्स का डर होता था, समुद्री डाकू का जो डर होता था, उनके खिलाफ पॉलिसिंग करने के लिए तो इंडिया यहाँ नेवल बेस बनाना चाहता था, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि चाइना भी अब डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जैसे वो बना रहा है, क्या कहते हैं, नेवल बेसिस बना रहा है, तो इंडिया को घेरने के लिए, तो इंडिया के पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए ना, ठीक है। तो रिटेलिएटरी मेजर्स के लिए भी इंडिया बना रहा था, बट अभी ये द प्रोजेक्ट इज इन अ लिम्बो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एथनिसिटी ऑफ विगुर्स आएगा, UIGHUR जाना था, ये गलत लिखा गया, लिगुर्स लिखा है, विगुर्स है रिकग्नाइज एज अ माइनॉरिटी इन चाइना। तो जो युगर्स हैं तो उनकी जो है एथनिसिटी क्या है, ठीक है, वो हैन चाइनीज हैं या टर्किक हैं या मंगोल्स हैं या ह्यू हैं? इसका आंसर टर्किक, ठीक है। ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, और जो इगुर्स हैं ये चाइना के फिफ्थ लार्जेस्ट माइनॉरिटी है, ठीक है। और ये जिनजियांग, जो वहाँ का जिनजियांग ऑटोनोमस प्रोविंस है ना, तो ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। और अभी इन पे क्या है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो चाइना पे आरोप लगते हैं, तो इनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने का लगता है, ठीक है। तो चाइना इनके ह्यूमन राइट्स को काफ़ी ज़्यादा वायलेट करता है, इन पर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।